हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास एट का साइंस का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर, जो कि DOE ने जारी किया गया है और ये 2022-23 सेशन के लिए जारी किया गया है। बच्चों, अब तक हम कर चुके हैं सेक्शन ए सेक्शन बी के दोनों पार्ट, यानी 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन, और अब हमें करना है सेक्शन सी यानी क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। हर क्वेश्चन 6 नंबर का और 24 नंबर का टोटल पूरा सेक्शन। बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है बच्चों, आपको क्या है, पहले पढ़ना है, समझना है और फिर इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में निम्नलिखित प्रकार के से उपयोगी होते हैं। जीवाणु मृत पौधों और जानवरों के श्रय का कारण बनते हैं, जो वातावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। बैक्टीरिया का उपयोग सिरका, दही, पनीर आदि के उत्पादन में किया जाता है। बैक्टीरिया का उपयोग सीवेज निपटान संयंत्रों में भी किया जाता है। अन्य सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, कवक, ईस्ट आदि का उपयोग मूल्यवान चिकित्सा, कृषि और औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक्स, बेवरेज में अल्कोहल और बेकिंग उद्योगों में भी किया जाता है। अब इंग्लिश में क्या कह रहा है बच्चों, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं जरा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन अवर लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। बैक्टीरिया कॉजेज द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर क्लीनिंग द एनवायरमेंट। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रेट्स। बैक्टीरिया आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, कर्ड चीज। बैक्टीरिया आर यूज इन सीवेज डिस्पोजेबल प्लांट्स। सम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, फंगी, ईस्ट एट्सेट्रा आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल मेडिकल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल्स इन बेवरेज एंड ऑल्सो यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि ये हमारा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू वाला चैप्टर है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, उसके बारे में हमें समझने को मिल रहा है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम सभी को बताएं, इनका उपयोग हम कई जगह करते हैं और कई जगह हमें नुकसान भी दे सकते हैं। कई जगह फ़ायदा देते हैं तो कई जगह नुकसान भी देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फायदे वाला पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। अब क्या है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमें करना है बच्चों। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि वह सूक्ष्म जीव जो अपना पोषण के लिए मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं कहलाते हैं। द माइक्रोब्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड, तो ऐसे कहलाते हैं बच्चों सेप्रोट्रॉप्स, मृत जीवी। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं। इसमें अगला है, वह जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रस में परिवर्तित करते हैं, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्राइट्स, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बच्चों, हम सभी को पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो ये काम करता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्या है बच्चों, दूध से दही और पनीर का उत्पादन जिस जीवाणु द्वारा किया होता है वह कहलाता है। द बैक्टीरिया विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज़ फ्रॉम द मिल्क इज, तो ये होता है लैक्टोबैसिलस द्वारा बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसका आखिरी भाग पढ़ते हैं। ये क्या है, ब्रोइन उद्योग में किण्वन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीव कौन है। द माइक्रोब्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन बेवरेज इंडस्ट्रीज बच्चों, तो इसमें ईस्ट काम करता है बच्चों, जिसे हम खमीरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही आपको पढ़ना है। पहले क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे जीवन और हमारे पर्यावरण के लिए और मनुष्य, पेड़ पौधों तथा पशुओं के लिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधों और जानवरों से बीमारी का कारण बनते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन को खराब करते हैं और खाद्य विषकता का कारण बनते हैं। सूक्ष्म जीव पर्यावरण और परिवेश की गुणवत्ता को भी खराब करते हैं। इस प्रकार विभिन्न हानिकारक जीवों से अपनी और अपने पर्यावरण की सुरक्षा की भी आवश्यकता है। ठीक है, इंग्लिश वाला पार्ट पढ़ लेते हैं जरा बच्चों उसका। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म फॉर अवर लाइफ एंड फॉर अवर एनवायरमेंट एंड फॉर द हेल्थ केयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉयल फूड एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो
डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग, दस देयर इज ऑल्सो ए नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम वेरियस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली बच्चों ये बता क्या रहा है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, यानी कि सूक्ष्म जीव के हानिकारक प्रभाव वाला भाग है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने अच्छे जो उसके यूजेज हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पहला है आपका, रोग उत्पन्न करने वाले के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कहलाते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रेस्पॉन्सिबल कॉजिंग डिसीज और कॉल्ड पैथोजन्स, ऐसे कहलाते हैं रोगजनक बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉल्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये है बच्चों ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटिक या क्षय रोग जिसे बोलते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला भाग देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो बच्चों ये है हेपेटाइटिस। ठीक है, फिर है बच्चों आपका इसका चौथा और अंतिम भाग बच्चों, वह सूक्ष्म जीव जो केवल परपोषी के अंदर रहने पर ही जीवित रहते हैं द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच इज लिविंग ओनली वेन इनसाइड द होस्ट। तो ऐसे क्या कहलाते हैं बच्चों, वायरस या विषाणु कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब जरा अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो अगला प्रश्न है आपका, कुछ गुण निम्न तालिकाओं में सूचीबद्ध हैं, इन गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं का में भेद कीजिए, यानी कि सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। तो चलिए बच्चों, कठोरता यानी हार्डनेस को बोलते हैं बच्चों। तो जब हार्डनेस की बात करते हैं तो जो धातु है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कम हार्ड होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। ठीक है, ये मेटल वाला पार्ट है बच्चों, ये आपका अधातु वाला पार्ट है। तो ये काफ़ी कठोर होते हैं और ये कम कठोर होते हैं किसको, हीरे को छोड़ करके। अब अघात वर्धिनता को बोलते हैं बच्चों मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं, अघात वर्धिनी होते हैं या मेलिएबल होते हैं बच्चों, ये नहीं होते हैं, अधातु नहीं होते, नॉन मेटल्स नहीं होते। फिर है तन्यता या डक्टिलिटी। तो जो धातु होते हैं या मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है, और ये नहीं होते हैं, दे आर नॉट डक्टाइल। फिर है ऊष्मा तथा विद्युत का संचालन, कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ये होते हैं, कौन से गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये अच्छे सुचालक होते हैं और ये नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ करके ऐसे नहीं होते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वापस बता देता हूं बच्चों, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते एक्सेप्ट डायमंड। मेलिबिलिटी की अगर बात करें तो कैसे क्या है, मेटल्स मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। डक्टिलिटी की बात करें, डक्टिलिटी में मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। फिर कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, ग्रेफाइट आपका बच्चों। चलिए अब ये है बच्चों आपका पंद्रवा और अंतिम प्रश्न, इसे भी हमें क्या करना है, पढ़ के जवाब देना है। क्या कहता है, धातु और अधातु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, धातुओं का उपयोग खाना पकाने के सामान बनाने में, बिजली के उपकरण, बिजली के तार, फ्रिज आदि बनाने में, भवन निर्माण सामग्री के लिए एल्यूमिनियम और लोहे की शीट बनाने में, सोने चांदी आदि के आभूषण बनाने में, तथा तांबे एल्यूमिनियम का सिक्का बनाने में किया जाता है। अधातुओं का उपयोग भी कई जगह तथा कई वस्तुओं बनाने में होता है, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और उर्वरकों को बनाने में, पानी के शुद्धिकरण के लिए रॉकेट ईंधन के रूप में, पेंसिल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। तो ये क्या बात कर रहा है बच्चों, ये धातु अधातु की बात कर रहा है कि हम कैसे यूज़ करते हैं उन्हें। इंग्लिश में जरा पढ़ लेते हैं एक बार, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, मेटल्स आर यूज्ड टू मेक कुकिंग वेयर्स, इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक वायर्स, फ्रिज एक्सेट्रा, शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन, फॉर बिल्डिंग मटेरियल, इन मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरीज फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम,
नॉन मेटल्स आर यूजफुल फॉर सो मेनी पर्पज लाइक प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एज ए रॉकेट फ्यूल टू मेक पेंसिल प्रिपरेशन ऑफ सल्फरिक एसिड। यानी कि बेसिकली बता क्या रहा है बच्चों, ये बता रहा है मेटल्स और नॉन मेटल यानी धातु अधातु के उपयोगों के बारे में, ठीक है, कि हम कैसे उसका तार बनाने में, बर्तन बनाने में, शीट्स बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में उपयोग कर सकते हैं। और इधर की साइड में अगर बात करें तो एसिड बनाने में, रॉकेट इंजन बनाने, पेंसिल बनाने में किसके तरह धातु का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका पहला भाग जरा देखते हैं बच्चों, पहला भाग क्या कहता है, विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत तार बनाने के लिए हम सभी को पता है कॉपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर है अगला, अगला क्या कहता है बच्चों, आभूषण बनाने के लिए जिन धातुओं का उपयोग किया जाता है वह है, तो हम सभी को पता है कि द मेटल्स विच आर यूज टू मेक ज्वेलरी आर सोना चांदी गोल्ड एंड सिल्वर बच्चों। चलिए अगला क्या है बच्चों, अगला है आपका उर्वरक बनाने के लिए जिन धातुओं का उपयोग किया जाता है वह कौन से बच्चों, द नॉन मेटल्स विच आर यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। फिर है चौथे वाला, जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त अधातु है द नॉन मेटल विच इज यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, तो क्लोरीन होता है उसके प्योरीफिकेशन पर्पज़ के लिए बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी पूरी की पूरी सैम्पल पेपर की सी सेक्शन की क्वेश्चन आंसरों की सीरीज कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।